आज हमें इंदौर के भोरकुआ स्क्वायर पे, यहाँ से हम निकल रहे थे तो हमारी नज़रें पड़ी आत्मनिर्भर चाय वाले के ऊपर। इनका बहुत ही अच्छा एक स्लोगन लिखा हुआ है यहाँ पे चाय पे चल रहा आत्मनिर्भर। चलिए इनसे मिलते हैं, करते हैं बातचीत। भैया नमस्कार। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आकाश बैनल। ओके, ये कहाँ से हो आप? यहाँ इंदौर से ही? मैं हूँ निमाड़ से, पर 2019 से मतलब यहीं पे इंदौर में रह रहा हूँ। और पढ़ाई के लिए आया था तो पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो मेडिकल पे काम करता था और अभी करता हूँ। ओके, तो क्या काम करते हो मेडिकल पे आप? मेडिकल पे मतलब माल बांटना रहता है। माल बांटना रहता है, हाँ। तो ये आपने एक तो पहले तो ये बताइए कि आपने आपका ये नाम आत्मनिर्भर चाय वाला क्यों रखा? मोदी जी भी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर अपना भारत को बनाना है, तो उनसे इंस्पायर होकर फिर MBA चाय वाले को देखकर, और बिहार में भी आजकल चल रहा है चाय वाली, हाँ, ग्रेजुएट चाय वाली, बीटेक चाय वाली, हाँ। बहुत सारे, तो उनको देख देख कर भी लड़कियाँ कर सकती है तो अपन भी कर सकते हैं ना, ये बात। तो इसकी वजह से फिर मैं सुबह टाइम रहता है, बस सुबह उठना और रहता है बस घूमना फिरना, और 12 बजे के बाद भी काम पे जाना रहता है, तो फ्री टाइम में क्या करे करके हो, तो उनको देख के फिर मैंने भी स्टार्टअप खोला। मतलब एक टाइम से आपने इसको पार्ट टाइम, हाँ, बिजनेस बना लिया? बिजनेस बनाया। और ये चाय पे चर्चा, थोड़े तो कोई आ जाए तो चर्चा भी कर लेगी बातचीत, कहीं से बाहर से आए थोड़ी बहुत बातचीत भी कर ले, इसकी वजह से मैंने काम नीचे रखा। कितना टाइमिंग हो गया आपको ये स्टार्ट किए हुए? अभी 1 तारीख से लगा रहा हूँ मैं। 1 तारीख से आप लगा रहे हैं, हाँ। और क्या टाइमिंग है इसका? मैं सुबह 6:30 से 12:30 तक लगाता हूँ, फिर उधर मेडिकल पे जाता हूँ। उसका क्या टाइमिंग है? उसका है 1 बजे से 7 बजे तक। 1 बजे से 7 बजे तक, हाँ। ओके, तो ये बाकी जो भी सामान वगैरह है, ये लाते कैसे हो आप? मैं ये सब सामान बाइक से लेके आता हूँ। बाइक से लेकर आता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती बाइक पे लाने? थोड़ी बहुत रहती है, पर आपको कुछ करना है आगे तो ये सब आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब सुबह 5-6 बजे से उठ के फिर वहाँ भी जॉब करने जाते हो, मतलब 13-14 घंटे काम करते हो, तो कैसे क्या सब मैनेज कर लेते हो? ये करना पड़ता है, क्या करें, अभी कुछ करने के आगे कुछ आगे बहुत कुछ सोच रखा है मतलब। ओके, इसकी वजह से भी करना है कुछ अलग। तो क्या है आपकी फ्यूचर प्लानिंग, क्या है किस मतलब अच्छी मतलब पर्पल विलेज जैसे मैं भी बनना चाहता हूँ। आप भी बनना चाहते हो, हाँ। उनसे इंस्पायर होकर आपने ये इंस्टॉल लगाया है, हाँ। उन्होंने भी मतलब फुटपाथ से, हाँ, स्टार्टिंग करी थी। उनने बोला कि 0 से शुरुआत करो फिर आगे बहुत आगे जाओ, बिजनेस में लगाओ। मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं था तो अब बिजनेस में लगाऊँ। तो आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हो मतलब? हाँ, सपोर्ट करते हैं, वही करते हैं। अभी तो पापा से पैसे लिए, मैंने बोला कि कुछ काम है करके, उनसे बोला नहीं है कि चाय की दुकान खोल रहा हूँ। अच्छा, अभी उनको बताया नहीं आपने? बताया नहीं, और दोस्तों को बताया तो दोस्तों ने भी पैसे दिए, मतलब कि तू कर अभी, बाद में फिर तुम्हें तेरे पास आ जाते देना करके। छोटा भाई पढ़ रहा है आपका? हाँ, पढ़ाई करता है वो। चलो, उसकी पढ़ाई कंटिन्यू रहने दो, हाँ। और इससे जो अर्निंग होती रहेगी वो, हाँ। मतलब स्वाभाविक है कि आपकी फैमिली को कुछ तो सपोर्ट हो रहा होगा आपका, हाँ। अभी वही थोड़ा मतलब बोलते हैं कि कुछ कर ले करके, तो मैं भी अभी पहले बहुत कुछ काम, पहले उनको पता नहीं था, मेडिकल पे काम करता था और शाम को उधर ये इधर मंडी में वहाँ पे काम करने भी जाता था, वहाँ पर भी हिमालय का काम भी करा मैंने, फिर कुछ अलग करने का सोच रखा था, फिर MBA चाय वाले को देखा तो उनसे इंस्पायर होकर। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो जो आज के युवा है उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनसे कहना चाहोगे कुछ पढ़ाई के साथ और कुछ भी करना चाहिए अपना खुद का, पढ़ाई के साथ या फिर पार्ट टाइम जॉब करो, मतलब घर वालों को मतलब परेशानी नहीं हो, क्योंकि पैसे लेन देन के लिए अपन खुद का खर्चा निकालना चाहिए। मतलब सीधा सा है, आत्मनिर्भर बनो, खुद पर डिपेंड करो। जी फूडी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम भगवान से कामना करते हैं कि आप भी बिजनेस को बहुत आगे लेके जाए, बहुत ऊपर लेके जाए। जी धन्यवाद।